तभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी। जी दीदी, जी, धन्यवाद कुमार भैया। भैया, आज बीके शर्मा भैया की शेयरिंग है हिंदी में। जी। मैं बीके शर्मा भैया का परिचय रख देती हूँ। बीके शर्मा भैया प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में। भैया ने पहला वर्कशॉप जुलाई 2019 में किया और उसके बाद UHV-2 और SAR 70 भी किया है भैया ने कानपुर में। भैया ऑनलाइन वर्कशॉप में एज अ रिसोर्स पर्सन सेशन दे रहे हैं और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन की वीकली मीटिंग है उसमें भी भैया सेशन को रख रहे हैं। तो मैं भैया का स्वागत करती हूँ। नमस्ते बीके भैया। नमस्ते दीदी, और नमस्ते सभी को। कुमार भैया नमस्ते, सरमला दीदी नमस्ते, तारा भैया सभी को नमस्ते। जी दीदी, जी भैया, आप शुरू कर सकते हैं। ओवर टू यू भैया। ठीक है दीदी। आज मेरा अकेले का है कि और भी है कोई? आप ही का है भैया, आप 20 मिनट में अगर पूरा कर सकते हैं तो ठीक रहेगा हाँ ऐसे। हाँ हाँ ठीक ठीक है दीदी। जी तो एक बार सबको नमस्ते। जैसा कि दीदी ने बताया, 2019 में मैंने जुलाई 2019 में पहला वर्कशॉप अटेंड किया था कॉलेज में ही, 3 दिन का। और उसके बाद वर्कशॉप के एंड में ये एक सूचना मिली कि जो जीना है और हम देख रहे हैं कि हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, ये मैं देखता था पहले, लेकिन वर्कशॉप के बाद मालूम चला कि नहीं, सुखपूर्वक जीना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो निरंतर सुखपूर्वक जीना है। तो जो सुखपूर्वक और निरंतर सुखपूर्वक ये जो गैप था, ये जब पता चला तो ये जो डायरेक्शन थी वो मिली कि जो सुखपूर्वक जीना, मतलब कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम बना रहे थे, मैं बना रहा था कि पद के लिए या अच्छा बड़ा गाड़ी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, संवेदनाओं से या दूसरों से अनुकूल भाव मिल जाए, इस तरह के कार्यक्रम बनते थे। तो जब निरंतर सुख लक्ष्य पता चला तो उसके बाद काम करना स्टार्ट हुआ। तो फिर और भी मैंने वर्कशॉप अटेंड किए, UHV-1, UHV-2, कानपुर जाना हुआ, संस्थान क्या वॉलेंटियरिंग की, और इसी इस पूरे प्रोसेस में ये मॉर्निंग सेशन से भी जुड़ना हुआ। मॉर्निंग सेशन जो थर्ड बेस्ट था उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उस सबसे जो जो मेरा फायदा हुआ है एक्सरसाइज 1 और 2 से, मैं थोड़ा सा मैं उसको शेयर करना चाहूँगा कि पहले की जो स्थिति थी वो, और अब मैं क्या मैं देख पा रहा हूँ और आगे के लिए एक रास्ता देख रहा है मुझे, तो जो उपलब्धि हुई है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आगे जो अभी बचा हुआ है उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। तो ये जो अंतर है सुख और निरंतर सुख का जो अंतर, वो पता चला। और अपनी जो मूलभूत चाहना है, मतलब एक तरह से कह रहे लक्ष्य क्या पता चला, उससे पहले लक्ष्य जो थे वो छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके और ये सब था। तो जो हम बात करते हैं वर्कशॉप में एक्सेप्ट दुखों से भागने के जो लक्ष्य बनते थे वो, तो अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो संग्रह करने का दबाव था वो अब नहीं है उतना, मतलब संग्रह करने का अब दबाव नहीं बन रहा है। और जो संस्कार था वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मनी हो, या और भी। लेकिन मैं कहूँ कि समृद्धि है तो अभी वो शेष है, समृद्धि का भाव तो अभी नहीं है, लेकिन संग्रह करने का दबाव भी नहीं है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ अभी अपने आप में। और अगर संवेदनाओं की बात करूँ कि संवेदनाओं का दबाव, तो उसमें भी कमी आई है। मतलब जैसे कि अच्छा देखने का जो दबाव था कि चलो कहीं बाहर घूम के आए, हिल स्टेशन पर चले जाएं, कोई अच्छी मूवी देख लें, ये कुछ अच्छा सीन देखने को मिल जाए, तो इस तरह का जो दबाव रहता था पहले, तो वो उसमें बहुत कमी आई है। अच्छा सुनने का भी, जो मतलब जिसको सुनने से भी अच्छा म्यूजिक सुन लिया या
कोई भी चीज़ तो उसमें भी कमी आई है। और जो खाने का जो है, जो अच्छा खाने का रहता था कि स्कीइंग जा रहे हैं, चलो बाहर आउटिंग करके आए, अच्छा खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, ये करेंगे, तो उसमें कमी आई है। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं खत्म हुआ है, लेकिन काफी कम हुआ है, तो उससे एक आराम बढ़ा है। पहले दबाव बनता था कि नहीं, अब बहुत दिन हो गए बाहर कुछ डिनर नहीं किया, चलो बहुत दिन हो गए कुछ चेंज नहीं हुआ खाने का, तो चलो नया कुछ खाने के लिए चले। इसी तरह से जैसे स्पर्श का है कि जो सर्दी गर्मी और उनका भी जो प्रभाव बहुत बना रहता था, उसमें काफी कमी आई। और गंदगी की बात करें तो अब उतना, मतलब जैसे मान लो कहीं अगर दुर्गंध भी है तो भाव उतना बिगड़ता नहीं है। तो जब इन संवेदनाओं को मैं देखता हूँ कि पहले बहुत दबाव रहता था इनका कि नहीं, जो मेरे अनुकूल है वो मुझे मिलता रहे, और प्रयास भी उन चीजों के लगे रहते थे, और नहीं मिल रहा है तो परेशान हो जाना, तो उसमें काफी मतलब आराम मिला है। तो ये एक्सरसाइज को करते हुए, शेयरिंग सुनते हुए, और कंटेंट को बार बार रिपीटेडली सुनते हुए, ये सब जो संवेदनाओं को जो दबाव था उसमें काफी आराम मिला है। निरंतरता नहीं है ये तो देख देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन जो एक दबाव था वो कम हुआ है और एक आराम की स्थिति बनी है। और दूसरा, जो बाहर से सम्मान पाने का जो दबाव था कि नहीं कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए हमारी, हमने ये काम किया कि आप कितने अच्छे हैं, देखिए आपने, इस तरह का जो सुनने का मन करता था उसका अब उतना वो नहीं रहा। एकदम खत्म हो गया ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन काफी कम हुआ है उसमें। और पहले तो एक जैसे दबाव था कि कहीं जा रहे हैं तो तारीफ होनी चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ बैठे हैं, आगे की सीट पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, फ्रंट में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मतलब ये सब चीजें। तो जो आई एम स्पेशल वाली जो फीलिंग थी कि जहाँ भी हो ऐसा लगना चाहिए कि मैं स्पेशल हूँ, लगता ही रहता था, और बाकी लोग भी समझे हैं, और अंदर तो फीलिंग अभी अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई है, लेकिन पहले तो बाहर भी, बाहर से भी चाहते थे कि नहीं मैं स्पेशल हूँ और लोग भी मुझे स्पेशल माने हैं। तो जो आई एम स्पेशल वाली फीलिंग तो बाहर से मानने वाला अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अंदर तो बना हुआ है अभी, कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ बहुत अभी। और ये मुझे लगता है कि पूरे उस पर देखूं तो मूल में ये जो आई एम स्पेशल जो वाली जो फीलिंग है, ये कभी भी जब मान लो भाव बिगड़ता भी है या कुछ भी होता है तो ये फीलिंग, ये जो संस्कार है ये एक्टिवेट होता है। मैं देख पा रहा हूँ इसको गहरे में भी जब ध्यान देता हूँ कि ये बना हुआ है। और जैसा कि कुमार भैया बताते हैं, गणेश सर बताते हैं कि ये तो आगे जाके ही खत्म होता है जब सहअस्तित्व को हम ठीक ठीक अनुभव कर पाते हैं, तो वो तो अभी समय लगेगा। और पहले जो हड़बड़ी का संस्कार था उसमें भी कमी है कि समय लगेगा, अब हड़बड़ी करने से भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, निरंतर काम करते रहना है। और ये दिख भी रहा है कि जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आराम की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो जो पद के नाम पर सम्मान का जो संस्कार था वो भी कम हुआ है, मतलब इन सब चीजों में कमी आई है। अभी समाप्त कुछ हुआ है तो ये कह सकता हूँ कि जो दौड़ थी पद पाने की, धन पाने की, मतलब सुविधाओं के लिए या इनके लिए, वो दौड़ उस डायरेक्शन में कम हो गई है, लेकिन अभी सही दिशा में चलने का शुरुआत है। तो मतलब एक 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 ट्रांजिशन पीरियड में ही मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे जो प्रक्रिया है इसको और समझने का काम कर रहा हूँ मैं। और जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप पे कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा ध्यान रखूँ, तो प्रयास तो है कि मैं फर्स्ट स्टेप पे हर क्षण देखता रहूँ अपने भाव विचार को, लेकिन अभी हर क्षण तो नहीं हो पा रहा। जब परस्परता में काम करते हैं तो उस समय जो वर्तमान परिस्थिति होती है उस पर भी ध्यान जाता है, और बाकी के जो स्टेप्स हैं आगे के जो भाव है मेरा, वो जो होता है वो तो मतलब दिख जाता है कि जो जैसे ही कोई विरोध का भाव आता है तो अंदर से ही दिख जाता है, और वो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये देख पा रहा हूँ मैं अभी। बाकी के तो ये 3 4 5
स्टेप्स तो है ही, मतलब कि जो इस जो चल रहा है तो आराम में है, संगीत में है, सुखी है, या फिर इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय कौन लेता है। तो ये मतलब एक तरह से कंक्लूड हो गया कि ये सब तो निर्णय तो मेरा ही रहता है। मतलब अभी लॉजिकल बेसिस पे ही हुआ है, क्योंकि अभी मैं नहीं कह सकता कि ऊपर के ब्लॉक में हूँ, और लॉजिकल बेसिस कई तरह से यहाँ से घुमा के फिर आके सब तरह से देख लिया। और जब बहुत गहराई से देखते हैं कि लॉजिक का आधार क्या है, तो फिर लॉजिक का आधार तो जो वास्तविकता है वही है, तो उसके लॉजिक की भी एक सीमा है, वहां तक काम करके देखते हैं तो देखते हैं कि जो भी निर्णय है वो मैं स्वयं ही ले रहा हूँ, बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति इसका कोई मतलब जिम्मेदार नहीं है, मैं उससे प्रभावित होता हूँ, और तो या जो भी मेरे संस्कार हैं, और संस्कारों की भी स्थिति है तो वो ट्रांजिशन पीरियड की चल रही है, कुछ तो परिमार्जित हुए हैं कुछ बाकी हैं, तो उस तरह से इसमें पूरी प्रक्रिया में चल रहा है। तो जो आधार है मेरे जो भाव विचार का, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि पहले तो जो सही समझ भी कुछ होता है ये पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो मैक्सिमम जो मेरे मतलब मैक्सिमम के सभी जो भाव विचार थे वो या तो संवेदनाओं के आधार पर थे या मान्यताओं के आधार पर थे। अभी जो तीसरी चीज है, जो डेफिनेट चीज है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ या सहज स्वीकृति जो जुड़ी है, वो भी आधार बनने लगा है। और बहुत सारे भाव विचार, या जब अकेले में है, परस्परता में नहीं है, तब बाहर से कोई कंटेंट नहीं आ रहा, तो अपने आप अंदर से पुरानी बातें याद आती हैं या कुछ भी, तो वो मूल्यांकित होती रहती है, ये एक देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंटेंट को कई बार सुना है तो जो सार है कंटेंट का वो तो दिख ही रहा है कि शून्य में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयां हैं, और दोनों के चैतन्य और जड़ इकाइयों के अपने अपने स्वभाव हैं, और मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ ये मेरा है, और संबंध के भाव के साथ रहूंगा तो मैं आराम में रहूंगा, नहीं तो परेशान रहूंगा, ये मतलब एक सार रूप में ये चीज है। तो और कई बार इसको ट्रायल एंड एरर कर लिया है, कई बार इसको घुमा फिरा के देख लिया है, और हर बार इसको ठीक ही पाता हूँ, तो पर अब इसको नकारने का भी कोई मतलब मतलब देख नहीं रहा। तो इसलिए फिर वो निष्कर्ष निकलता ही है कि जब भी भाव विरोध का है तो मतलब असहज है, परेशान है, तो ये दिख रहे हैं। तो जो स्वीकार की बात है कि कौन सा भाव सहज स्वीकार है, तो संबंध का ही है स्वीकार तो, लेकिन हर समय संबंध का रहता है ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्वीकार तो संबंध का ही है, सहस्तित्व का ही है, और मतलब व्यवस्था का ही है। और ये दिखता है कि जब भी अव्यवस्था का भाव होता है या विरोध का होता है, या जो आई एम स्पेशल वाली फीलिंग है, सहस्तित्व न हो कि मैं कुछ विशेष हूँ, तो फिर वो उस समय एक अंदर कॉन्ट्राडिक्शन सा चलने लगता है, या एक असहज सी स्थिति बनती है। लेकिन जब मैं कभी देखता हूँ कि जहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ हूँ, तो मैं बहुत उपलब्धि देख पाता हूँ अपने आप को, मतलब काफी एक हल्का मैं फील करता हूँ कि बहुत हल्का सा हो गया है। पहले तो मान्यताओं और संवेदनाओं में इतने जकड़ा हुआ था मैं कि एक हमेशा ही लग रहता था कि नहीं, हर समय हमारी तारीफ होनी चाहिए, कुछ अच्छे खाने को मिलना, मतलब जो संवेदनाओं से और जो अनुकूल भाव पाने की जो थी, वो सारे कार्यक्रम भी उसी के लिए थे। तो अब कार्यक्रम उन सब चीजों के लिए नहीं है, ये मैं देख पाता हूँ। तो और जो 7 स्टेप है, कि जो भाव है वो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा, तो ये तो है कि जब भाव संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का होता है तो मैं संगीत में रहता हूँ और सुखी रहता हूँ, और शुरुआत में देखूँ तो बहुत प्रयास करना होता था इसके लिए, मतलब ध्यान देना पड़ता था जब कहीं से कुछ हुआ कि अरे मेरे तो अपने भाव संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का रखना है। लेकिन अब ये जो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा हर क्षण है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन ड्यूरेशन इसका बड़ा है, और
जैसे पहले कॉलेज से आए तो शाम को चलो बाहर घूमने चलते हैं या ये करते हैं शॉपिंग, अब वो नहीं है। अब तो कंटेंट सुनने का रहता है कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, कंटेंट सुनते हैं, तो बैठ के कंटेंट सुनता हूँ मैं। गाड़ी में भी जैसे जा रहे हैं तो पहले गाने सुनने का था, तो अब वो नहीं है, वो कंटेंट ही सुनते हैं। तो अब वातावरण जो बनाया है, बन रहा है मतलब मेरे आसपास का, उसमें मैक्सिमम टाइम कंटेंट में ही रहते हैं। तो ये जो संबंध व्यवस्था और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता ही रहता है। तो जो वॉलेंटियरिंग मैं कर रहा हूँ, या वर्कशॉप में ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़ता हूँ या मीटिंग्स में जुड़ते हैं, तो उसका बहुत ही उपकार हुआ है और हो रहा है मेरे ऊपर। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि जो वातावरण की जो आवश्यकता होती है वो इस तरह से पूरी हो रही है मेरी। ऐसे कहें कि पूरा है ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन काफी हद तक जो वातावरण जो चाहिए वो इस तरीके से पूरा करने का प्रयास में मैं रहता हूँ। तो ये 7 स्टेप, और जब मैं संबंध व्यवस्था और स्वास्थ्य को संपूर्णता में समझता हूँ तो ये तो दिख ही रहा है कि मतलब वास्तविकता तो यही है कि अस्तित्व एक नए नियम के तहत है, उस नियम को समझना और उसके अनुसार जीना। तो लय में रहेंगे तो आराम में रहेंगे, नहीं तो फिर वो परेशान हो ही जाते हैं, ये तो दिखता ही है। तो ये मैं अभ्यास एक के बारे में मतलब यहाँ पर इतनी बातें कहना चाहूंगा। और अगर अभ्यास दो की बात करें कि मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना, तो ये तो अब काफी हद तक कहूँ कि कंक्लूड हो गया है या निष्कर्ष निकल ही गया है कि मैं और शरीर अलग वास्तविकता है। मतलब एकदम देखने में आया ये नहीं कहूंगा, लेकिन लॉजिक लगा के, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लॉजिक का ही यूज करते थे अब तक। देखने वाला काम जो शरीर से देखने वाला काम तो अब स्टार्ट हुआ है, तो उसमें उसमें समय भी लग रहा है और लगेगा भी जो भी है। लेकिन लॉजिकल लेवल पे मैं अगर कहूँ तो ये क्लियर क्लियर है कि मैं और जो शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। लॉजिकल लेवल पे ये बिल्कुल क्लैरिटी है। और देखने का काम जब बहुत विशेष ध्यान देते हैं, होश में रहते हैं, तो ये उस समय दिख भी जाता है कि शरीर और मैं दो अलग अलग वास्तविकता हैं, और शरीर और मेरे बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्योंकि भैया कई मॉर्निंग सेशन में एक्सरसाइज कराते हैं कि हर काम को धीरे धीरे करो, देखो आप कैसे उठ रहे हो, चल रहे हो, तो ये सब जब करते हैं एक्सरसाइज तब दिखता है। और फिर जब दिन में भी जैसे मान लो ड्राइविंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कब ब्रेक लग रही है, कब क्लच दबा रहे हैं, तो ये सब डिसीजन रहता है। सिग्नल पे खड़े हैं तो रेड है तो कई बार क्रॉस करना होता है, कई बार नहीं करना, मतलब पीछे से हॉर्न बजता है, तो सब ये सब चीजें उस समय ऑब्जर्व हो रही होती हैं कि मैं ये हूँ, और बॉडी को बॉडी के साथ सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो चल रहा है। तो शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदनाओं को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। तो ये तो कई बार मैंने स्वयं में इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे मान लो कहीं कोई संवेदना है, कोई पेन है, तो पेन है तो उससे दुखी होना है नहीं होना है, तो ये निर्णय मेरा रहता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में भी मैं देख पाता हूँ। जैसे कि अभी एक 30 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, तो बॉडी बहुत पेन में थी, लेकिन क्योंकि अर्थ उसका कुछ अलग दे रखा था तो बिल्कुल परेशान नहीं था, सेल्फ में मैं आराम में था। बॉडी बहुत पेन, पूरी बॉडी पेन कर रही थी, कई पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैं आराम में था। तो ये दिख पा रहा है कि ये तो है। संवेदनाओं से दूर होते हुए भी संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ, और मैं और शरीर के बीच दूरी है, तो ये मतलब हर समय तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन जब ध्यान देता हूँ तो ये तो है कि संवेदनाओं से दूर रहते हुए भी संवेदनाओं को पढ़ पाना। कुछ ग्लिम्सिस तो इसके मिले हैं, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में, और इसको ऐसा नहीं है, लेकिन लॉजिकल लेवल पे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चौथे स्टेप की बात है। पांचवें, बाहर की परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसको तो मतलब काफी मैंने पहले भी प्रैक्टिस किया और अभी भी कर रहा हूँ कि जो भी
संवेदना आती है, उसको मैं क्या अर्थ दे रहा हूँ और उस अर्थ के अनुसार ही ये होता है। तो बहुत सारा इससे मतलब आराम मिला है कि जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति है उसका व्यवहार सही नहीं है, तो ये मेरा अर्थ दिया है मैंने कि ये जो ये कर रहा है सही नहीं है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं इसकी जो योग्यता का ठीक ठीक मूल्यांकन करना है, पर उससे उतनी ही अपेक्षा रखनी है। ये सब चीजें जो कंटेंट मैं सुनता हूँ रेगुलरली, उसका बहुत मतलब डे बाई डे मुझे मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और आराम की जो स्थिति है वो भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। और जो छठा स्टेप है कि बाहर की परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक, तो जो परस्परता हम तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया पहले भी नहीं करता था मैं, लेकिन अंदर तो होती थी और अभी भी है कि परस्परता में प्रतिक्रिया कमी होती है, पहले से भी कम हुई है, लेकिन जो अंदर का आराम है वो जरूर बढ़ रहा है। पहले अंदर आराम नहीं था, बाहर ठीक दिखता था सबको कि हाँ नहीं शांत है सीधा है, लेकिन अंदर रिएक्शन चलता रहता था, मुझमें रिएक्शन था, परस्परता में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये मैं देख पाता हूँ कि परस्परता में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि मैं भी आराम में आया हूँ, ये मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ। तो ये बात है कि क्योंकि जब ये क्लैरिटी है कि संबंध है, व्यवस्था है, सह अस्तित्व है, अगर तो दूसरा अगर कोई कोई ऐसी बात कह भी रहा है जो कि सही नहीं है, तो ये उसकी योग्यता है। तो जो ट्रस्ट की जो फीलिंग है जब उस पर ध्यान जाता है तो फिर शिकायत नहीं रहती है। लेकिन अभी बहुत समय ध्यान बनाता है, लेकिन एक लेवल के बाद कई बार वो ध्यान हट भी जाता है। तो मतलब ज्यादातर समय तो आराम की स्थिति रहती है, लेकिन वही जो भैया बोलते हैं कि पांचवी बार छठी बार कहेगा तो क्या होगा, तो अभी वो इनफाइनाइट में यानी कि अनकंडीशनल अभी वो कंटिन्यूटी में नहीं है, जो है ना अनकंडीशनल और कंटिन्यूअस ट्रस्ट, तो वो अभी उतना तो नहीं, लेकिन पहले तो बिल्कुल ट्रस्ट था ही नहीं, हर समय लगता था कि दूसरा विरोधी ही है। तो अब कम से कम नॉर्मल स्थिति में वो नहीं है, जब कुछ एबनॉर्मल स्थितियां आती हैं तब ध्यान भटकता है, और एबनॉर्मल स्थिति कम ही आती है, मतलब अगर देखें तो 1% 2% ही रहती होंगी, तो उस तरह से है। अदरवाइज पहले तो 99.9% दूसरा विरोधी ही लगता था, ये मतलब मैं अभी इस बात को देख पाता हूँ, पहले ये दिखता नहीं था, लेकिन अब जब मैं अपनी पूर्व की स्थिति को देखता हूँ तो ये इस बात का आकलन हो पाता है। तो उस हिसाब से कहूँ तो उसमें भी काफी आराम बना है। और जो सातवां स्टेप है वो तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, उसमें समय लगेगा कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। तो सूचना के रूप में तो ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि वो परमाणु और सब हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो सब पढ़ते ही है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ये मोशन में है, तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है वो सब सूचना के रूप में तो है, लेकिन अभी मैं कहूँ कि मैं देख पा रहा हूँ उसको, तो वो तो अभी नहीं है। शरीर का होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ, लेकिन सूचना के रूप में भी मतलब इन बातों को अगर ध्यान दें तो भी बड़ा आराम मिलता है, मतलब बहुत ही आराम की स्थिति रहती है जब इस पर ध्यान जाता है। शून्य पर जब ध्यान जाता है तो एकदम जो जिसको कहते हैं हारमोनी, संगीत सुर में होना, लय में होना, मतलब कई तरीके से, तो फिर वो परमानंद या नितांत दुख से मुक्ति जो भी शब्द लगे वो सब भी वहां पर जाके लगता है कि बिल्कुल अब तो यही है, इसी की निरंतरता चाहिए। लेकिन जो क्योंकि सूचना में है वो निरंतरता अभी दिखा नहीं है तो वो है नहीं, तो ये है मतलब उसके आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ सुनने के माध्यम से। तो ये मैंने प्रश्न भी पूछा था कि जो मैं और मेरी जो क्रियाएं हैं बुद्धि चित्त वृत्ति और मन की, तो वो भी सब उनमें भी जो आदान प्रदान वो सुनने के माध्यम से ही हो रहा है, ये लॉजिकली तो मैं देख पाता हूँ, क्योंकि जो हम परमाणु की संरचना भी देखते हैं तो और खुद को भी एक मतलब स्वयं भी एक परमाणु ही है ऐसे सूचना के रूप में है, तो ये वो
वो सब है कि सुनने के जो भी हो रहा है वो सुनने के माध्यम से ही हो रहा है, सुनने आधार में है और सब हो रहा है। तो जो डूइंग से जो बीइंग तक की जो जर्नी है वो है कि बीइंग पे जो हो रहा है उस पे अगर निश्चितता हो जाए उसकी यात्रा है। और ये भी है कि जो बॉडी है वो एक एक उपयोगी साधन है। मतलब पहले तो इसका कोई ध्यान ही नहीं था कि बॉडी मतलब मैं भी कुछ हूँ, बॉडी ही मैं हूँ यही था। अब ये दिख रहा है कि बॉडी एक यूजफुल टूल है और इस टूल को सही रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे भी बहुत इसकी ज़रूरत है, मुझे समझ पे काम करना है। तो सूचना है इसके माध्यम से ही मिल रही है, और जैसे जैसे टूल सही रहता है तो मतलब डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होते हैं। तो ये देख रहा है तो इसकी भी इसके प्रति भी जिम्मेदारी का जो भाव है वो बढ़ा है। तो ये तो जो स्टेप वन और की बात है। इसके बाद जो जैसे कि कितने स्टेप्स को साथ साथ साफ साफ स्वयं में देख पाते हैं, तो स्वयं में देख पाने का तो ये जो स्टेप वन है उसमें भाव विचार को दिखना, मतलब विचार पहले तो भाव दिखता ही नहीं था लेकिन अब भाव भी दिखता है। और जब भाव संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में होता है तो विचार बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ये दिखता है। तो विचारों के जो श्रृंखला थी, जो अबेंडेंट थॉट्स चलते थे, वो बहुत अब कम हो गए हैं। तो ये स्टेप मैं देख पा रहा हूँ। और सुख स्वभाव है ये तो अब क्लियर है ही, क्योंकि प्रभाव तो एक्साइटमेंट है और वो उसमें हारमोनी की स्थिति नहीं होती। ये तो मतलब काफी कुछ स्पष्टता बनी है इस बिंदु पर। तो जो कार्यक्रम बन रहे हैं अब मेरे, तो पहले जो कार्यक्रम जो होते थे वो थे कि बड़ा पद कैसे मिले, अधिक सुविधाएं कैसे इकट्ठित हों, बाहर से कैसे अनुकूल भाव बने। तो अब कार्यक्रम उसके लिए नहीं बनते, ये तो देख पा रहा हूँ। अब जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं तो 90% कार्यक्रम तो समझ कैसे विकसित हो उसके लिए ही है, स्वयं के लिए भी और साथ साथ अपने परिवार में भी मैं काम कर रहा हूँ। और जहाँ भी मैं कॉलेज में भी काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ भी वर्कशॉप कराया है वो सबके लिए और उसके बाद भी आगे भी। तो कार्यक्रम उसी दिशा में बन रहे हैं। और अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में तो बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं है मतलब अब, और करते भी है तो वो थोड़ी देर में ही लगता है कि अरे किधर चल दिए, तो वो फिर वो रुक जाते हैं। तो ये तो दिख रहा है। तो ज्यादातर कार्यक्रम तो मतलब मैं के लिए ही है, शरीर को स्वस्थ रखे इतने कार्यक्रम तो शरीर के लिए बना रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा तो संवेदनाओं से कार्यक्रम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन खत्म नहीं है, खत्म हो गया ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी। तो अभी कितने कार्यक्रम जो मान्यता है संवेदनाओं पर आधारित हैं, तो एग्जैक्ट रेशो तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पहले तो बिल्कुल भी सह स्वीकृति तो क्या है ये जानते ही नहीं थे। तो जो भी है मैं तो उसको उपलब्धि कहूंगा, जितना ही बढ़ा है और काफी बड़ा है, मतलब जीरो से जीरो था पहले, उससे अगर 10-20% भी बढ़ा है, 5% बढ़ा है, तो वो मेरे लिए तो 500% ग्रोथ है, मतलब या जो है वो ग्रोथ ही है। तो ये मैं अपनी मतलब जो जर्नी है उससे एक मतलब संतुष्ट हूँ अभी, और लेकिन आगे की यात्रा लंबी है ये मैं देख रहा हूँ और उसके लिए तैयार भी हूँ। समय तो अभी ज्यादातर मेरे स्वयं की समझ के लिए ही लगता है, चाहे जर्नी में हो, घर पे हो, परिवार में बातें भी होती हैं तो मैक्सिमम टाइम उसी से संबंधित होती हैं। और जो जिम्मेदारियां हैं परस्परता में, सामाजिक भागीदारी के अर्थ में, तो कोशिश करता हूँ मैं जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिलती हैं समय समय पर उनको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, और आगे भी मैं समय बढ़ाऊंगा इसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ अपने आप पे। और इस 2 घंटे की बात है तो अभी मैं देख पाता हूँ कि 2 से 2 ज़्यादा घंटे लगी लगी रहे हैं पर डे। तो ओवरऑल मेरी जो यात्रा है मैं कहूँ
कि जीरो से तो नहीं, मैं नेगेटिव में ही था बहुत ज्यादा, जीरो हो रहा हूँ फिर प्लस की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो और इस यात्रा में सभी जो मेरे साथी हैं, को एक्सप्लोरर हैं, उन सबके प्रति मेरी कृतज्ञता है। कुमार भैया अभी घर पे भी आए थे, परिवार के साथ मिले थे, तो मतलब लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार मिला, मतलब घर परिवार के साथ पहली बार मिले हैं। और मतलब हम एक शादी में जाना था तो कुमार भैया अकेले रह गए, हम सब चले गए। तो मतलब इतना तो अपने पेरेंट्स, अगर मेरे फादर होते तो उनको भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे घर पे। लेकिन कुमार भैया के प्रति जो आश्वस्ति थी कि नहीं ये बुरा नहीं मानेंगे, और बहुत ही सहजता से हम लोग सभी साथी अटेंड करके आए वापस। तो जो दिखता है कि संबंध दिखता है, तो फिर वो उसमें आश्वस्ति हो, जो विश्वास का भाव, तो उससे और फिर जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है वो रहता है। और मेरे परिवार, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो और पत्नी और बच्चों के लिए विशेष तौर पर कृतज्ञता, क्योंकि वो हर समय मेरा ध्यान दिलाने का प्रयास करते हैं। और गणेश सर को तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, तो मतलब जब भी कभी गलत होता है तो उनका चेहरा दिखता है, तो वो एक जो डीप ग्रेटिट्यूड वाली जो फीलिंग है वो हमेशा बनी ही रहती है उनके प्रति। तो अब सभी के प्रति कृतज्ञता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ पर अपने शेयरिंग देखने का अवसर दिया, और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक शर्मा भैया, अपनी ईमानदारी से आपने शेयरिंग को रखा। अभी कुमार भैया से सुन लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान भैया जगदीश भैया से भी बात कर लेंगे। जी कुमार भैया, जी सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया नमस्ते शेयरिंग भैया, रही बीके भैया नमस्ते आपसे, और भैया। आपके परिवार से मेरा हाल में ही मिलना हुआ, और परिवार में भी जिस तरह का वातावरण दिखा, काफ़ी अच्छी संभावना है। आपने तो अभी जॉब से भी ये कर लिया ना, रिजाइन करके भी फुल नहीं अभी तो टाइम भैया आप मैं लोग। हूँ, हम भी अच्छा हूँ। अभी आप, जी तो बढ़िया भैया। सरलता तो आपके व्यवहार में दिखती है, और धीरे धीरे आप और सहज भी होते जा रहे हैं। और जिन चीज़ों को आपने एक तरह से अपने लिए मुद्दा भी बनाया कि कोई विशेषता का भाव ना है, और उसको भी आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे कम होती जाएं, समय का सदुपयोग बढ़े, शरीर का सदुपयोग बढ़े, महत्वपूर्ण बात है। इससे आपको गति मिलेगी, और इससे आपके आसपास जो वातावरण है उसमें भी एक गति बनेगी। और जयपुर में काफ़ी अच्छी संभावना है, पूरी टीम है वहाँ पर, आप लोग साथ साथ मिलकर जितना अच्छा गति कर पाएंगे उससे पूरे जयपुर के कार्यक्रम में भी एक परिवर्तन दिखाई देगा। तो आपने तो बिंदुवार ढंग से हर एक बिंदु पे बात रखी ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन है अपने प्रति और उसको बढ़ाया जाए तो और अच्छी गति बनेगी। और एक बात जो आपने बीच में कही कि जो विशेषता का भाव है पूरी तरह से तब जाएगा जब सहअस्तित्व के अनुभव तक पहुंच पाएंगे, तो मैं कहूंगा कि अभी वैसा कोई आवश्यक नहीं है। ये तो हम जितना जितना सही भाव को अपने आप में देख पाते हैं उतना उतना हमारे अंदर ये सहजता सरलता होती ही है, जैसे आप अभी भी देख पा रहे हैं। जी तो थोड़ा सा इसलिए मैं ध्यान दिला रहा था, ये कहीं आ जाता है अगर हमारे विचार में कि ठीक है अल्टीमेटली तो अनुभव में जाकर ही ये चीजें होंगी, तो फिर वो चीज़ें पोस्टपोन होती जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखें कि अनुभव के स्तर पर जाकर तो हम सहअस्तित्व को देख पाते हैं, संपृक्तता को देख पाते हैं, बट उसके पहले जो भाव में परिमार्जन है वो तो चिंतन में हो सकता है, जो व्यवस्था को देख पाना है वो बोध में हो सकता है, पूर्णता जाकर वहाँ पर होती है। तो एक ये बात मैं ध्यान में लाना चाह रहा था। और जिस तरह की अनुकूलता भी बनी हुई है, दोनों बच्चों के साथ भी जिस तरह से आप संवाद कर पा रहे हैं, पत्नी के साथ संवाद कर पा रहे हैं, और जिस प्रकार से सहज ढंग से परिवार सहित प्रस्तुत हो पा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके ऊपर जयपुर में एक पूरे टीम को विकसित करने का, और हमको ये भी दिखाई दे कि अल्टीमेटली शिक्षा में किस तरह से परिमार्जन होगा एक यूनिवर्सल कंटेंट को ले जाते हुए, और उसको हम जितना विधिवत प्राइमरी से हायर एजुकेशन पूरा कर पाएंगे उतना
अपना विधिवत ढंग से व्यवस्था में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तो बढ़िया भैया, मेरी तरफ से इतनी बातें थी, बहुत सारी शुभकामना बधाई आपको। जी भैया बिल्कुल, आपने जो बातें बताई उनको मैं ध्यान रखूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके प्रति तो कृतज्ञता बनी हुई है। जी थैंक यू। जी धन्यवाद कुमार भैया।